विकास यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। आप यहाँ सबसे समस्तीपुर में मूल समस्या भोला टॉकीज घूमती है, वहाँ भर दिन जाम लगा रहता है, लोग त्रस्त रहता है। मक्तापुर घूमती है, वो पूरा जाम रहता है और त्रस्त रहता है लोग, लगभग आपको हमको लगता है पूरा दिन जाम लगा रहता है, ओवर ब्रिज पे पूरा जाम लगा रहता है। लेकिन माननीय सांसद जो यहाँ थे पूर्व में लोजपा से ही थे, कोई काम नहीं किए आज तक। हमको लगता है कि जाम का जो समस्या है, जिसके कारण कई मरीज जो रहता है उसका मृत्यु हो जाता है, एम्बुलेंस जाम में फंसती है, इसके वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इस ये मूलभूत जो समस्या, दो बहुत बड़ी समस्या है, एक मक्तापुर घूमती और एक भोला टॉकीज घूमती, जो लगभग पूरा दिन जाम लगा रहता है। और जो इतना दावा होता रहा कि राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, ये सब है, ये सब का फायदा यहाँ के लोगों को मिला? राशन दे देने से क्या गरीब का भला हो जाएगा? रोजगार ना दीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, 10 साल आप राज किए, केंद्र में आपका 10 साल सरकार रहा, तो 2 करोड़ रोजगार अगर प्रत्येक वर्ष आप देते तो 20 करोड़ रोजगार हो जाता ना। कहाँ रोजगार है बताइए? लोग सब चीज को तो प्राइवेट किए जा रहे हैं, वो रेल हो गया, जितना खाली होता है वेकेंट, जो बूढ़ा हो जाते हैं लोग, जगह खाली होता है, वो सब जगह एनजीओ के तहत बहाली कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कहाँ चला गया? अपने 5 साल के लिए राज करेंगे, आप बिहार का पूरे देश का युवा है जो 4 साल का नौकरी करेगा अग्निवीर, बताइए कितना बड़ा, आप तो देखे होंगे जो कितना बड़ा कांड हो गया था। अपने वो 70 साल या 75 साल के हैं मोदी जी, उनको चाहिए पूरा 5 साल, लेकिन जो गरीब युवा जो है उसको माने 4 साल का आप नौकरी दे रहे हैं, वो भी कितना दिए सो तो देख ही रहा है लोग। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर इस बार जब मतदान होगा तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? बदलाव होगा, होगा कि नहीं होगा पहले तो, और होगा तो उससे क्या फायदा होगा? पूरे देश में बदलाव होगा, जो सिचुएशन है कि सिर्फ वादा करके जाते हैं, राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं, उनको सिर्फ राम का याद चुनाव के टाइम में आता है, हाँ उससे पहले माने उसके बाद भूल जाते हैं कि जो क्या है नहीं है, चुनाव आया बस राम राम करना है, वोट लेना, हिंदू मुस्लिम कराना है। अरे मुद्दे की बात करो ना, रोजगार की बात करो ना, कितना युवा को आप रोजगार दिए? पूरे देश में कितना युवा को आप, 10 साल आपका सरकार रहा है, कितना युवा को आप रोजगार दिए उसका बात करो ना मोदी जी। बदलाव होगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब चीजों पर काम होगा? बिल्कुल, हमको तो लगता है महागठबंधन का अगर सरकार बनता है तो बहुत सारा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव जी, अभी बिहार की बात कीजिए, तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जो काम किए वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिना उनके काम होता कैसे, कैप्टन तो वही थे। अरे कैप्टन 40 गो लेके कैप्टन बनते हैं, उनका कोई अस्तित्व है क्या? बिन पेनी के लोटा है, कभी इधर ढुलुक के जाते हैं, कभी उधर ढुलुक के जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व है क्या? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है। हाँ क्या लग रहा है लोकसभा के बाद किधर रहेंगे? आप तो वही बता सकते हैं कि वो किधर जाएंगे, उनका कोई ठीक नहीं है, और इधर आ जाएंगे कभी उधर जाएंगे, माने रातों रात वो क्या करते हैं तो कहना मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।